बात करते हैं बालाघाट की, जहां सीसीटीवी से मिले सुराग से पुलिस ने गुनहगारों का चेहरा बेनकाब कर दिया है। मामला उन दो लोगों की मौत का है जिनकी लाश एक मैग्नीज प्लांट में मिली थी। तफ्तीश हुई तो पता चला कि मरने वाले चोरी की नियत से प्लांट में घुसे थे, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। चोरी की थी नियत, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। जंगली सुअरों की बजाय इंसान बने शिकार। सीसीटीवी से खुला मौत का राज। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सब कुछ साफ कर देती हैं। तीन युवक दो युवकों की लाशों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस ने 12 मई की सुबह मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के मैग्नीज प्लांट के सब स्टेशन के पास दो युवकों की लाशें बरामद की थी। युवकों की शिनाख्त निहाल और करण के रूप में हुई है। दोनों के सिर में लगी चोट और रिसता हुआ खून इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि दोनों की हत्या हुई है। युवकों के पिता ने भी कुछ ऐसी ही आशंका जाहिर की थी। माइंड में फिर मेरे को बताए कि ये तुम्हारा लड़का पड़ा हुआ है, और वहाँ वाले माइंड वाले और बताए, बोले तीन आदमी बोले इसको रात में ला के सुबह 3 बजे करीब रात में ला कर के यहाँ पे डाला गया है। लड़के का निहाल कटौते को तो यहाँ ये जबड़े से ये मुंह से खून फेंक दिया है, ये नाक से कान से खून फेंक दिया है, नाक से खून फेंक दिया है, आँख से खून फेंक दिया। दोनों ने उसी दिशा में है। दोनों मर्डर किया गया। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो कहानी का खुलासा कुछ और ही हुआ। दोनों युवक खुद पेशेवर चोर थे और चोरी की नियत से प्लांट के भीतर दाखिल हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए पहले से ही अवैध तरीके से करंट के तार बिछाए गए थे। जिन युवकों ने तार बिछाए थे वो जब रात के अंधेरे में लौट कर आए तो उन्होंने सुअरों की जगह इंसानों को देखा। आरोपी घबरा गए तार बिछाने की अवैध करतूत का खुलासा न हो, इसलिए दोनों युवकों ने शव प्लांट के भीतर फेंक दिए थे। दो युवकों की बॉडी जो है बरामद हुई थी और इस पे थाना भरवेली में मर्ग कायम किया गया था, और मर्ग जांच के उपरांत ये पाया गया कि ये दोनों ही युवक वहाँ पे मॉयल परिसर के आसपास ये कुछ जो मैंगनीज रहता है इसके इसमें जाते थे बटोरने के लिए। और इसी दौरान जो तीन आरोपी थे चंद्र कुमार, दुर्गा और तिलक, इन लोगों ने जानवर मारने के उद्देश्य से तार लगा रखा था और इस तार में फंस के करंट लगने से इन दोनों की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु हो जाने पर ये इन्होंने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से इन दोनों की बॉडी उठा के और तार फेंसिंग के अंदर फेरो प्लांट में ले जाके रख दी थी, और सीसीटीवी फुटेज और अन्य पुलिस की विवेचना में क्लियर होने पे इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मैग्नीज फेरो प्लांट एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में जिन युवकों ने अवैध तरीके से तार बिछाए वो कैसे दाखिल हो गए, यहां प्लांट प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। अशोक मोटवानी, बंसल न्यूज़, बालाघाट।